हाय गाइस, मैं हूँ नूरुल आन और आप देख रहे हैं नू टेक फॉर यू। गाइस, आज आपको हम बताएंगे आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड में कैसे कोई भी म्यूज़िक या फिर फोटो या फिर कुछ एनिमेटेड वीडियो आप कैसे लगा सकते हैं या फिर म्यूज़िक। तो चलिए, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ये जब ओपन करिएगा, देखिए आपको यहाँ पे जो इसका है कीबोर्ड के जो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, जो कि एक वीडियो वहाँ पे प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी जो आप यहाँ पे वीडियो ऑडियो फाइल या फिर अपना फ़ोटो को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और आपको देखिए देखने में जो है आपका कीबोर्ड कुछ अट्रैक्टिव एंड यूनिक आपको यहाँ पे लग रहा है। जी हाँ गाइज, तो इसे आप कैसे करिएगा हम आपको बताएंगे आगे डिटेल से। और यहाँ पे इस वीडियो को आप चेंज भी कर सकते हैं। गाइज फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अभी जो इसका जो है कीबोर्ड का जो बैकग्राउंड में देखिए इसका जो है वीडियो वो चेंज है, वो आपको डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो आपको हम यहाँ पे बताएंगे डिटेल से कि आप जो है कीबोर्ड के बैकग्राउंड में कोई भी फोटो या फिर म्यूजिक या फिर आप कोई वीडियो या अपना फोटो का आप कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे डिटेल से। तो फाइनली गाइज हम चलते हैं, आपको बताएंगे डिटेल से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऐप्स है, इस ऐप्स को कर लेना है आपको इंस्टॉल प्ले स्टोर से। और इस ऐप्स का लिंक हम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं इंस्टॉल। हमने इसे पहले से कर रखा हूँ इंस्टॉल। और देखिए आपको यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे आना है लोकल पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाएंगे। और देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं चूज इमेज एंड चूज वीडियो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वीडियो या फिर आप लगाना चाहते हैं इमेज, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कीबोर्ड के बैकग्राउंड में उस इमेज को। तो हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं लगाना चाहते हैं वीडियो। तो हम क्लिक करते हैं वीडियो वाले यहाँ पे ऑप्शन पे। देखिए आपको यहाँ पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी एक वीडियो को यहाँ पे आप कर सकते हैं सेलेक्ट। जिस तरह से हमने देखिए यहाँ पे जो है कुछ वीडियो कर लेते हैं सेलेक्ट। तो फाइनली गाइज आपको यहाँ पे कोई भी एक वीडियो कर लेना है सिलेक्ट। हमने ये वाला वीडियो करते हैं सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है आपके कीबोर्ड के बैकग्राउंड में देखिए आपका जो है एक जो है वीडियो वो यहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड में। अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे म्यूज़िक, तो म्यूज़िक पे आप लगा सकते हो, आप पे डिपेंड है। और देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ट्रैक, आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। फिर आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ तरह से इंटरफेस मिल जाएंगे। तो आप देखिए इसको आप यहाँ पे आप खुद अपने इससे ट्राई कर सकते हैं। और देखिए इसको इस्तेमाल करने से देखिए अगर आप यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका जो है कीबोर्ड का कलर वो चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक करते हैं ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है बैकग्राउंड जो है कीबोर्ड का जो यहाँ पे है लिखा हुआ कलर वो चेंज हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप ट्राई अपने से कर सकते हैं एडजस्ट। और करने के बाद एडजस्ट आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको कर देना है नेक्स्ट। अब फिर हम नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इसका है फॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ पे आप कर सकते हैं चेंज, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हुए देखिए आपका जो है कीबोर्ड का जो है फॉन्ट वो चेंज हो रहा है, ये आप खुद से कर सकते हैं। और करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आना है और इसको कर देना है सेव। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है यस। यस करने के बाद जो आपका जो है फाइनली वो आपके कीबोर्ड में जो ये जो है वीडियो वो आपको चलता रहेगा। चलिए हम अभी चेक कर लेते हैं। तो फिर से आते हैं, हम यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन करने में देखिए जैसे आप यहाँ पे कीबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से आपका देखिए वो वीडियो प्ले हो चुका, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आप अपने कीबोर्ड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे वीडियो या फिर कोई म्यूज़िक या फिर आप एनिमेटेड वीडियो या अपना फोटो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।